नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने रोल नंबर फाइंडर का ऑप्शन जो है लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th 2021 एग्जाम में अपना रोल नंबर जानना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में आपको चेक करके बताएंगे कि आप रोल नंबर अपना कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 31 जुलाई से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीबीएसई अपना रिजल्ट जारी करने वाला है। तो यानी सीबीएसई कभी भी जो है रिजल्ट जारी कर सकता है, और रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते कि रोल नंबर आप क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, इंडिया में किसी भी सीबीएसई का एफिलिएटेड स्कूल हो, आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, और सबसे पहले उससे पहले बता दूं आपको कि आपको ये लिंक यानी कि ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ से आप इसको खोज सकते हैं। तो दोस्तों आप खोज सकते हैं rozgarrizult.com से। जी हाँ दोस्तों, एक पुरानी ट्रस्टेबल और सबसे विश्वसनीय वेबसाइट rozgarrizult.com। आपको नीचे आना है, रिजल्ट सेक्शन में देखिए ऑप्शन आ गया है सीबीएसई बोर्ड 10th 12th फाइंड रोल नंबर। आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। दोस्तों जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ उसका नाम है sarkaririzult.com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई। तो सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना, 29 जुलाई को ये फैसिलिटी उपलब्ध हो चुकी है। आपको नीचे आना है, और रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले जारी हो जाएगा हाई स्कूल इंटर दोनों का। आपको देख सकते हैं फाइंड क्लास 10th एंड 12th रोल नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पूछा है कि आप क्लास 12th में है कि क्लास 10th में है। दोस्तों अगर हम क्लास 12th पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार चीज़ देनी है। एक आपको नाम देना है, स्कूल का कोड देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, और सर्च डाटा पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको क्लास 10th का करके दिखाता हूँ। देखिए क्लास 10th में भी चार चीज़ देनी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्कूल कोड नहीं देना है, यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं एक कैंडिडेट का जो है यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कैंडिडेट का, पिता का नाम डाल देता हूँ, मदर नेम डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने जो डाल दिया। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप उसको सर्च करेंगे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल डाला उससे मैच होते ही मान यहाँ पे आपको कैंडिडेट का जो है नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का जो कोड है वो आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके कैंडिडेट का, आपके बच्चे का रोल नंबर भी आ जाएगा। अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो आप अपना रोल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। रोल नंबर आने के बाद आप इस रोल नंबर की यहाँ से आप फोटो भी खींच सकते हैं, अगर आपका प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो उसको कॉपी करके व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया और आपका डिटेल्स नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको अपने रजिस्टर्ड स्कूल यानी जिस स्कूल में आपने इनरोलमेंट कराया था उस स्कूल में जाना पड़ेगा, और वहाँ के ऑफिस से जाके आपको अपना रोल नंबर कलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को टैग भी कीजिएगा इस वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है जिसके इस्तेमाल से आप अपना रोल नंबर जान सकते हैं।